हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ बायो की, जो आज एग्ज़ाम थी बोर्ड की, ट्वेल्थ बोर्ड की, उसका एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट। ये सेट 11 के आंसर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड? तो आंसर, राइट आंसर है 34। फिर सेकेंड है, वॉट डज द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ BAMHI इज प्रेजेंट इन PBR322? तो आंसर आता है ऑप्शन बी। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन इज नॉट पैलीड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फोर्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिफ्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर सिक्स्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सेवेंथ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एट्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नाइन्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। टेंथ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनिशिएटर कॉलन। इलेवेंथ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डियर। ट्वेल्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये बच्चे ने रॉन्ग किया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। थर्टीन्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पपाया। फोर्टीन्थ का ए। फिफ्टीन्थ का बी। सिक्सटीन्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिर 17th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 18th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 19th का ए, MTPs वाला। फिर 20th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 21st इसने गलत किया है, करेक्ट आंसर है AUG। 22nd का करेक्ट आंसर है, ये इसने गलत किया, 16th क्रोमोजोम आता है। 23rd का करेक्ट आंसर ए। 24th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 25th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फिर 26th का ये एम्ब्रियो और ये, हाँ, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर 27th का इसने गलत किया है, जोस्टेरा नहीं आता है, वाटर लिली करेक्ट आंसर है इसका, प्लीज़ चेक इट। 28th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 29th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फिर 30th का करेक्ट आंसर है ए। 31st का सी और 32 का है सी। 33 का ऑप्शन बी। 34 का ऑप्शन डी। 35 का ऑप्शन ए। 36 का ऑप्शन बी। और 37 मैच दी कॉलम्स में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर 38 का ऑप्शन सी। 39th का ऑप्शन बी। 40th का एपिकल्चर ऑप्शन सी। 41 का डी, बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड बोथ। और 42 का है हीरोइन है। फिर अभी है 43, तो 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 44 का सी। 45 का डी। 46 का है सी करेक्ट आंसर। 47 का है 2PQ ऑप्शन सी। 48 का है डी। 49th का है सी। और 50th का है जे शेप। और फिर तो सब्जेक्टिव था, तो सब्जेक्टिव तो आप यू कैन चेक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो ये था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की वीडियोस बहुत कम बनती है, सो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने वीडियो बनाया था। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, दोज हु वॉन्ट टू चेक देयर MCQs। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।